आपके साथ भी हो सकता है। क्या हंगामा मचा रखा है दीवाने? मुझे पता है तुम्हारा ही काम है। चलो बाहर बाहर निकलो। ये क्या किया तुमने? छोड़ो मुझे। क्यों मेरी गाड़ी पंचर कर दी? छोड़ो मुझे। तुमने चारों टायर पंचर कर दिए हैं। पढ़े लिखे हो तुम? बहुत अच्छी तरह। तो इसे पढ़ो। बहुत जालिम हो। कानून फैसला करता है और फैसले में मुरव्वत नहीं होती। देखो पूरी गली में कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। मुझे अपने अब्बा को टेस्ट के ले जाना था, मजबूरन यहाँ पार्क करी। मुझे तुम्हारी मजबूरी से कुछ लेना देना नहीं है। इतने ही मजबूर थे तो एक पर्चा लिख कर गाड़ी पर लगा देते। जनाब ये गली है, सबका इस पर हक है। ये मेरी पार्किंग का दरवाजा है और अंदर मेरी गाड़ी खड़ी है। अगर अचानक मेरी तबीयत खराब हो जाती तो क्या होता? अस्पताल कैसे जाता? तुम्हारी तशरीफ आवरी का इंतजार करता ताकि तुम आकर मेरी लाश उठवाओ और उसे बाहर फेंकवा दो निकाल करके। तुम्हारी गाड़ी? तुम्हारे पास गाड़ी कहाँ है? झूठे, अभी बताता हूँ तुछे। बकवास मत करो। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहा है? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, अभी ठीक करता हूँ। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ो, अभी बताता हूँ। पागल हो गया है। अच्छा ठीक है, तुम तो समझदार आदमी। अच्छा ठीक है ठीक है, छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ो, जाने दो। हेलो हेलो, फोन उठा ले, जानता हूँ कि आप घर में हैं। फोन उठा ले। हेलो हेलो, चेहरे को क्या हुआ है? मार पड़ी है। बाहर कोई था तो नहीं? क्यों, फिर झगड़ा किया है? डरिए नहीं, आपका जिससे झगड़ा हुआ है उसने मुझे नहीं मारा है। तुम्हारी जाती जिंदगी का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। जानती हूँ, बहुत दिनों से जानती हूँ। यहाँ कुछ दिन रहने आई हूँ, अगर आप इजाजत दें। पुरानी कहावत है, मियाँ बीवी के झगड़े में बेवकूफ मुदाखलत करते हैं। तुम लोग तो रोज ही ये सब करते रहते हो। आप मुझे यहाँ रहने देंगे या नहीं? रहो चाहे ना रहो। कामी के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं। मैं कुछ दिनों तक यहीं रहूंगी। कुछ तो बोलिए। अरे वाह, कितना अच्छा मौसम है ना?
लो बोल दिया। आप मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप ये भी नहीं जानना चाहते कि मुझे क्या हुआ है? मतलब आपकी नजर में मुझ में और दीवार में कोई फर्क नहीं? मुझे दूसरों के मामलों में दखल पसंद नहीं। मैं गैर नहीं हूं, आपकी बेटी हूं। भूख लगी रहो तो रोटी है। ये भी नहीं जानना चाहते कि कामी क्या कर रहा है? मैंने तो पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब तुम लोग खुद जानो। आप कभी भी नहीं होते थे जो हमें पालते पोसते, हमें माँ ने बड़ा किया। मैं हमेशा कमाने वाला बाप रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से कमाया भी। इनकार न करना, हर साल ईद में तुम्हारे लिए नए कपड़े और जूते लाता था, हर साल गर्मियों की छुट्टियों में तुम लोगों को घुमाने ले जाता था, सर्दियों में घर गर्म रखता था, ट्यूटर घर आता था और मुख्तलिफ कोर्स करते थे तुम लोग। अब उससे ज्यादा और क्या करता? आप बदल गए हैं अब्बा। आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। कभी कभी तो खुद से कहती हूं कि यह शख्स मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप कहीं खो गया है, कहीं चला गया है, मर गया है। छोड़ो जाने दो, ये शख्स पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाता रहता है और यतीम लड़कियों के लिए जहेज इकट्ठा करता है। पैसे तो हैं आपके पास, कुछ दूसरों का भी भला कर दे। अपने पैसे मैंने बचा कर रखे हैं अपने कफन दफन और फादा खानी के लिए। तुम लोगों से तो कोई उम्मीद है नहीं, मुझे खुद ही अपनी फिक्र करनी है। आपको मौत की जितनी फिक्र है, आखिरत की भी इतनी फिक्र है? जब वहां जाऊंगा तो वहां के बारे में भी सोच लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा हैं? ठीक हो तुम? मुझे काम है उनसे। क्या काम है? कह दिया ना काम है उनसे। मैं तुम्हें उनके पास नहीं जाने दूंगी। हट जाओ। तुम क्या करोगे? खुदा के लिए हट जाओ इधर से। अम्मी की रूह की कसम, तुम अभी गुस्से में। आज मैं सारी बातें उनसे कर लेना चाहता हूँ। ये क्या हालत हमारी बना रखी है? ये आप कैसे हरकतें करते हैं? मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ? हाँ अम्मी, तुम तो अब्बा को जानते हो। हर एक के बाप होते हैं, एक हमारा ही बाप है। अम्मी रुक जाओ प्लीज। सलामुअलैकुम। सिर्फ सलाम करने के लिए तुमने इतना हंगामा मचा रखा है? मुझे आपसे बात करनी है, आपको मेरी बात सुननी होगी, आपको हर हालत में मेरी बात सुननी होगी। अप्पा, मैं आपका बेटा हूँ। मेरे मरने के बाद पेंशन की बकिया रकम तो मिलेगी ही और ये घर भी वर्षे में मिलेगा। अब और क्या चाहिए मुझसे? इस घर को गिरा देना, टावर बना देना, मेरे लिए फातिहा तक न कराना, कोई बात नहीं, बस जब तक जिंदा हूँ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझ में तहम्मुल नहीं है। मुझे नहीं आपका घर चाहिए और नहीं कुछ और। तो फिर क्या चाहिए? क्या तुम ये सब हंगामा इन्हीं चीजों के लिए नहीं मचा रहे हो? नहीं अब्बा, ये चाहता है कि आप इसका रिश्ता लेकर जाएं। नहीं, मैं बेवकूफी के कामों में शरीक नहीं होऊंगा। क्या समझते हो क्या हो जाएगा? शादी क्यों करना चाहते हो? नहीं, मैं आने वाला नहीं।
तुमने क्या किया मेरे साथ जो तुम्हारी बीवी से उम्मीद रखूं? मैं आपके लिए थोड़ी शादी कर रहा हूं, जो आप अपने नफा नुकसान की बात कर रहे हैं। मैं अपने लिए शादी कर रहा हूं। तो फिर ऐसे काम के लिए जिसका फायदा नुकसान मुझे नहीं है, मैं क्यों परेशानी मोल लूं? क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, समझ में आ रहा है? मैं भी तुम्हारा बाप हूं, इस तरह हिसाब बराबर। आपको मेरे साथ आना होगा। मुझे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। चलो ऑटो। आपको चलना पड़ेगा। कहा ना चल हट। कामी, कामी। क्या होगा? क्या कर सकता हूँ, जाके हकीकत उनको बता दूंगा कि मेरा बाप नहीं है। लड़की का क्या होगा? क्या मालूम, लड़की की बात नहीं है, बात उसे घर वालों की है। उनसे मैं क्या कहूँ? कहूँ कि जमीन से निकला हूँ? हाँ, ये कह सकता हूँ कि बाप है, लेकिन हमें छोड़ चुका है, वो सब कुछ छोड़ चुका है। काश उस रात उसका फोन उठा लिया होता तुमने। फोन लग ही नहीं रहा है। छोड़ो भी। नहीं, मुझे अपनी बात कहनी है। तो फिर से मिला हो। हेलो, सलाम अलैकुम। प्रोग्राम खुशकिस्मती का राज जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी को बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी पहले ही जैसे हैं हम दोनों। उसकी वजह बहुत सी हैं, लेकिन असल वजह सच्चाई और मोहब्बत है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बड़ा रवायती पैगाम था ना? बस नाक करवा दिए। नहीं पियो, कितनी पियोगे? अभी पहला ही तो है। नाहिद, मेरा पैर फंसा हुआ है, सब्र करो, अभी कोई ना कोई आ जाएगा। सोना मत नाहिद, सोना मत, कोई मदद करे, कोई मदद करे, मदद करो या अल्लाह, हमारी मदद कर। सोना मत नाहिद, सोना मत, कोई मदद करे, कोई मदद करे, मदद करो या अल्लाह, हमारी मदद कर। अरे कोई मदद करे, मदद। अब्बा उस एक्सीडेंट में अम्मी के इंतकाल के बाद खत्म हो गए, सबसे नाराज हो गए। कल मैं जाके खुद उनसे सारी बात बता दूंगा। तुम्हारे बाप नहीं है, लेकिन भाई तो जिंदा है। कहाँ जा रहे हो? कंपनी की कुर्सी और मेज मेरे इंतजार में है, 3 साल से रात उन्हीं के साथ गुजारते हैं। यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहते? किस लिए वापस आऊं? अब तो मैं उस घर की तरफ घूम के भी नहीं आऊंगा।
मेरे बाप का कई बरस पहले अम्मी के साथ ही इंतकाल हो गया था। बस कामरान, बिल्कुल नहीं, खुद पार करो, सीख जाओगी। पैर ब्रेक पर तो नहीं है? नहीं है। हैंड ब्रेक तो नहीं खींची भी? उफ ला, थक गई। चचा, मेहरबानी फरमाकर जरा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाइए। मुझे ड्राइविंग नहीं आती। अच्छा, मैं बैठती हूँ, आप जरा धक्का लगा दें। ये भी नहीं पूछेंगे कि मैं कहां जा रही हूं? जानता हूं। नहीं मालूम, मैं अपने उस शौहर के पास नहीं जा रही जो हर रोज आपका गुस्सा लात और घूंसों से मुझ पर उतारता है। मैं वहां नहीं जा रही हूं। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तो जरूर कोई इंतजाम कर लिया होगा जो इस तरह से तैयार होकर निकली हो। मैं जा रही हूँ सड़क पर सोने। अगर हिम्मत है तो कह दे कि आपके लिए फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेटी सड़क पर सोए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जानती हूँ। हटो नहीं तो भीग जाओगी। अब्बा, आप ऐसे क्यों हो गए हैं? मेरा और कामी का क्या गुनाह है? गुनाह? मुझे तो इस लव के माने भी नहीं मालूम। मैं दुनिया को गुनाह और सवाब के मीजान पर नहीं तौलता। ये फूल देखो, खूबसूरत हैं, लेकिन दो दिन बाद मुरझा जाएंगे। दुनिया मेरे लिए यही है। तुम भी ज्यादा जज्बाती न हो। इस दुनिया में हर एक को अपनी ही फिक्र है, बाकी बातें ढकोसला हैं। जब तुम्हारी अम्मी मरी, तुम लोग कहाँ थे? तुम तो अपने आने वाले बच्चे के इस्तकबाल की तैयारी कर रही थी और कामी का मोबाइल हमेशा की तरह मैसेज पर था। पता नहीं ये लड़का क्या करता है कि उसे फोन उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मोबाइल तो बस शो ऑफ के लिए ले रखा है। कुछ दिनों बाद जब मैं मर जाऊंगा तो जल्दी जल्दी मेरा दफन कफन करोगे और फिर मेरी जायदाद और दौलत पर टूट पड़ोगे। यही हकीकत है, लेकिन कड़वी है। ये सारी तगोदौ बस इसी के लिए है। मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। मैं किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं रखता। तुम लोग भी जाओ, अपने अपने काम करो। जब मैं मर जाऊंगा और तुम लोगों को पता चलेगा तो गिद्धों की तरह से खाने के लिए आ जाना। रहीम, रहीम साहब, उठेंगे नहीं?
कितना सोएंगे, कब तक सोएंगे, कब तक? रहीम, सलाम अलैकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो नाहिद? मुझे ये घर बहुत पसंद था, तुम्हें याद है ना? याद है। शाम को सहन में छिड़काव करते थे, फिर इकट्ठा बैठते थे। कामरान पेड़ पर चढ़ता था और कतायू पेड़ के चक्कर लगाती थी। वो दिन बहुत याद आते हैं मुझे। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई नाहिद? मैं कहां गई रहीम? मैं तो मर गई तुम्हारी तरह। क्या तुम जिंदा लाश हो गए हो? ठहरो, कहां चली? रुको नाहिद, नाहिद, नाहिद ना जाओ। नाहिद कहां जा रही हो? चुपचाप मेरे साथ चले आओ। कहां जा रही हो नाहिद? कहां, मुझे बताओ तो, कहां जा रही हो तुम? नाहिद कहां जा रही हो? नाहिद कहां जा रही हो? ये कौन सी जगह है? ये तुम्हारा घर है, अब तुम्हें यहीं रहना है, मेरे साथ आओ। ये कैसी जगह है? इन्हें क्या हुआ है? ये भूखे हैं, इन्होंने बरसों से कुछ नहीं खाया, जब से मरे हैं तब से। लेकिन इनके सामने तो बहुत से खाने हैं। ये इन चीजों को हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्यों उनके हाथ मोड़ते नहीं? इन्हें क्या हुआ है? मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। ये तो तुम्हारा अबदी ठिकाना है रहीम, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तुमसे गलती हुई है रहीम। कैसी गलती? इधर देखो। ये लोग तो बहुत खुश हैं। क्योंकि उनके पेट भरे हुए हैं, जब से मरे हैं तब से। लेकिन उनके हाथ भी तो नहीं मुड़ते, तो उनके पेट से कैसे भरे हैं? तो उनके पेट कैसे भरे हैं? बस देखते रहो रहीम, देखते रहो। लेकिन उधर वालों के जहन में ये तरीका क्यों नहीं आया? उस तरफ के लोग वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की मदद नहीं की थी, उन्हें किसी गैर की मदद करना आता ही नहीं। भले लोग भी नहीं थे, ये जानते ही नहीं थे कि आखिर किसी की मदद करेंगे। अगर रोटी का टुकड़ा किसी तक पहुंचाएंगे तो कोई दूसरा उन्हें भी रोटी देने वाला पैदा हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझे, वो ये समझे ही नहीं। तुम्हारी तरह रहीम, तुम भी नहीं समझे। तुम भी बहुतों की मदद कर सकते थे लेकिन नहीं की। तुमने अपने साथ क्या किया रहीम? तुमने अपने साथ क्या किया?
नाहिद, मुझे आग न छोड़ो नाहिद। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटी।